युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध? पांडव और कौरवों का युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध। वेरी गुड। युधिष्ठिर क्या चिंतित थे? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचना कराई थी जिसे भेदना केवल अर्जुन को हुआ था और अर्जुन मान लिया। आराम से, बहुत अच्छा सवाल। अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को कैसे प्रणाम किया? अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की विधि कैसे सीखी? अभिमन्यु जब अपने माँ के पेट में थे तब अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि द्रौपदी को सुनाई, माँ को सुनाई थी। हाँ, तो अर्जुन तभी अर्जुन ने यह विधि सीखी थी, पेट में रह के यह विधि सीख ली थी। वेरी गुड। माँ के गर्भ में थे तब अर्जुन ने चक्रव्यूह तोड़ने की विधि द्रौपदी यानी उनकी माँ द्रौपदी ती नहीं होता ठीक है को सुनाई थी, तभी अभिमन्यु ने यह विधि सीखी। वेरी गुड। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु के साथ दूसरे पांडव क्यों नहीं जाते? जयद्रथ ने भी और अन्य पांडव वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया, अभिमन्यु को वही चक्रव्यूह पड़ गया। वेरी गुड। सवाल ताली बजाओ। देखो लिए क्लैपिंग करो। पूरा पांचों क्वेश्चन सही लिखा है।